हज यात्रा पर गया एक दंपति टूर ट्रेवल एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हो गया। धोखाधड़ी की जानकारी दंपति को तब लगी जब वो हज यात्रा खत्म कर वापस आ रहे थे। दंपति को सऊदी अरब के जेद्दा एयरपोर्ट पर रोक दिया गया क्योंकि उनके पास धार्मिक के बजाय कमर्शियल यात्रा का वीज़ा था। मामले में दंपति के पुत्र ने खरगोन SP के पास जाकर एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दंपति खरगोन जिले के महेश्वर के रहने वाले हैं। उन्होंने देवास के टूर ट्रेवल्स एजेंट साजिद को 5,80,000 रुपये देकर मक्का मदीना हज सऊदी अरब जाने के लिए वीज़ा बनवाया था। एजेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए धार्मिक के स्थान पर कमर्शियल वीज़ा बना दिया। एजेंट की धोखाधड़ी के कारण दंपति पिछले 10 दिनों से जेद्दा में अटका हुआ है। माता पिता के वतन ना लौटने पर परेशान बेटे आसिफ चंदेरी ने खरगोन SP को अपनी शिकायत में बताया कि पिता अहमद गुलाम और माँ शमीम बी के साथ एजेंट साजिद ने धोखाधड़ी की है। उनके माता पिता 17 जुलाई को रवाना हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए महेश्वर के TI हाकम सिंह पवार ने एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। फरियादी की मदद से FIR का एक मेल भारत के विदेश मंत्रालय भेजा है। विदेश मंत्रालय सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय को हकीकत से अवगत कराएगा। इसके बाद ही हज यात्री लौट सकेंगे। इस प्रक्रिया में करीब 1 सप्ताह का समय लग सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।